हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी तुम्हारा भाई जावेद है। तो आज जो है मैं डाइट के लिए अपनी बनाने जा रहा हूँ चिकन रोस्टेड। तो उसके लिए एक किलो मैंने बाजार से मार्केट से चिकन ले लिया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसके अंदर जो है मैंने 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो लिया है मार्केट से, वो मिक्स करेंगे इसको। अदरक लहसुन का गार्लिक पेस्ट है, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। एक किलो गोश्त के अंदर 100 ग्राम बहुत होता है, ठीक है। मिक्स करने के बाद ये मैं डाइट के लिए बना रहा हूँ अपनी, तो इसके अंदर मैं ज़्यादा चटपटे मसाले नहीं मिला सकता, पर हाँ कि खाने में बुरा भी ना लगे इसलिए थोड़ा सा तो टेस्ट करना पड़ेगा, पर डाइट के हिसाब से। ये मैंने कुछ 6-7 नींबूओं का रस है, ये भी डाल लेते हैं। और ये आधा चम्मच कटोरी दही है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और ये हल्का सा नमक है, इसमें मैंने लाल मिर्च मिक्स नहीं करी, मैंने लाल मिर्च का आपको लग रहा होगा कटोरी पे था। हल्का सा नमक बिल्कुल मिक्स करना है, डाइट के हिसाब से बनाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा इस चीज़ को टेस्ट नहीं आएगा। देख सकते हो आप कि चिकन ने जो है इसको बेहतरीन तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया है, करना शुरू कर दिया है। इसको हम जो है मिक्स होने के लिए, मिक्स होने के लिए मसाले को अच्छी तरीके से रख देंगे इसे कम से कम 2.5 घंटे के लिए, ठीक है। 2.5 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से रोस्ट करता हूँ। सीख वीक सब है अपने पास, सारा इंतज़ाम है, हम किसी गैस चूल्हे पे या तवे पे नहीं करेंगे। तो दोस्तों 3 घंटे हो चुके हैं और अपना चिकन हो चुका है पूरा का पूरा मेल्ट। अब इसके अंदर हम कर लेते हैं थोड़े से सीख के छेद। बहुत ही देखने में लाजवाब सा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है, देखते कैसा बनता है। पर ये मेरा खानदानी काम है, मेरा अब्बा जो थे जब मैं छोटा था तो ये काम करते थे। तो देखते हैं भाई अपनी भट्टी हो चुकी है। होने देते ना थोड़ा रोस्टेड, देखते कैसा बनता है और क्या जायका होता है, मैं आपको बताता हूँ।
responsible. तो भाई एक किलो अपना चिकन पूरा हमने सींगों में प्रो लिया है, चार पांच ये पीस रह गए हैं, ये भी एक सींग के अंदर प्रो लूँगा, हो जाएगा ये भी फिनिश। बाकी आप देख सकते हो किस तरीके से बेहतरीन तरीके से सिक रहा है ये भाई। अपना अपने घर की भट्टी होने का यही फ़ायदा है, और अगर आपके पास भट्टी नहीं है तो आप चूल्हे में भी सेक सकते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊँगा तंदूरी तरीके से आप कैसे रोस्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा कि अपने पास चूल्हा आएगा ये रहा, इस चूल्हे का सारा सामान हटा हटा के इसको सेट करके, सेट करने के बाद इसको हम दिखाएंगे कि कैसे हम चूल्हे के अंदर भी रोस्टेड कर सकते हैं अपना चिकन। देखो आप पास से देखो कितना बेहतरीन इस पर रंग आ रहा है, देख सकते हो आप, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे बाज़ार का, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बाज़ार का रोस्टेड है, पर ये बिल्कुल 100% अपना घर का मटेरियल है। मैंने वीडियो में आपको दिखाया मैंने इसके अंदर क्या क्या मिलाया, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाया जिसे गार्लिक पेस्ट कहते हैं, और इसके अंदर मैंने हल्का सा दही मिलाया, आधा कटोरी दही, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया अभी वक्त। जब ये भाई लगभग अपना होने वाला है चिकन बिल्कुल तैयार। तैयार होने के बाद मैं आपको पूरा सर्व करके दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है और खाने में कैसा है, वो तो मैंने टेस्ट कर लिया है अभी बनाते बनाते। बाकी और जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा सारा का सारा, उसके बाद नींबू डाल के अपना सलाद डाल के टेस्ट करके देखेंगे और कितना ज़्यादा जायका आता है या नहीं आता। ये भाई भट्टी जो हमने छत पर इसलिए लगाई है क्योंकि आसमान है, धुएँ की कोई टेंशन नहीं, उड़ेगा ख़त्म। अब कोयले लाया था मैं एक किलो, और उसमें एक किलो कोयले को मुझे लग नहीं रहा था कि एक किलो चिकन हो जाएगा, पर ये आराम से हो गया अपना। एक दो सीख ये रही, एक सीख निकाल दी, एक सीख हो रही है, टोटल चार या चार से पांच सीख में बना एक किलो पूरा चिकन। बाकी बन
तो एक हो चुका है रेडी। उतार रहा जैसा मैं सोच रहा था उससे तो कई गुना अच्छा ज्यादा बना है, मजा बहुत आ रहा था। अपना रोस्टेड हो गया पूरा तैयार, बड़ी मेहनत से 2 घंटे लग गए से रोस्ट करने में, सारी चीज़ें रेडी करने में। चटनी अपनी रेडी करी है हमने भाई, पुदीने टमाटर डाल के और इस प्लस इसमें 4 हमने हरी मिर्चें डाली हैं, खीरे और प्याज हमने डाल लिया है, नींबू के साथ पूरी मिक्स कर दिया सलाद। टेस्ट में आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्ट है। पहली बार रोस्टेड था दिल खुश हो गया, कैसा वसूल रोस्टर है। और मंगवीदी की सबसे अच्छी क्या बात होती है, अंदर से कच्चा नहीं होता गोश्त, आप देख सकते हैं साफ लाना ले सकते हैं, मेरे को पका हुआ गोश्त ये भी सही। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।